हम विजय रो में अपने साथ इसलिए नहीं लेके गए काहे कि उनको लगता है कि हम उनकी बेइज्जती करवा देंगे। हमने तो हर बार उनकी इज्जत बढ़ाई है ना। जब भी वो हमारे गांव जाते हैं उन्हें हमेशा इज्जत मिलती है। हमने तो उन्हें संकट से भी बचा है, तो फिर काहे अंग्रेजी रो में कुछ से अलग करना चाहते। नहीं नंदनी, अंग्रेजी हीरो नहीं मिली हमें उनसे दूर करना चाहती है ताकि वो उनके करीब आ सके। नंदू, अंग्रेजी हीरो की पत्नी तू है, तुझे पूरा अधिकार है जानने का कि मिली अंग्रेजी हीरो को कहाँ लेकर गई। दादी, आप क्यों भूत सवार हो गए? क्योंकि इतना सब होने के बाद भी तू उस गवार के पास उसे सांत्वना देने चला गया उसके कमरे में। अरे उस लड़की की तब परछाई थी भी हम चेड़ खाते, पर तू उसका हिमायती बना फिर रहे। आइंदा तू उसके पास भी गया ना तो तेरे को इस झंडे से नहीं लड़का हम घुटा करके मरवाएंगे। अरे वो लड़की के इश्क में जो तू पड़ा हुआ है वो लड़की तो हमारे औकात ही नहीं रखती। उस लड़की को पानी और देसी शराब में फर्क तक नहीं मालूम है। तुझे मालूम है तेरी मारे मिनटों में उसे बेवकूफ बना दिया। कमिया ने तो घट 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 करके शराब पिला दी उसे। मतलब नंदिनी के नशे की वजह आप हो? आइंदा अगर आपने ऐसा किया तो सुमित्रा दादी से पहले आपसे लड़ने मैं आऊंगा। क्यों है तू लड़ने जाएगा? तू पागल हो गया उस लड़की के शक में? क्या लगती है वो तेरी? होने वाली पत्नी है मेरी वो। पत्नी है मेरी वो। क्या क्या बोला तू? हाँ, और आज सुमित्रा दादी के सामने नंदिनी से शादी करने का प्रस्ताव रखूंगा उनके सामने में। नील सुन मेरी बात। नील क्या हुआ? इतनी जल्दबाजी में क्यों आए हो? मैं बताता हूँ छोटी दादी, जो उस दिन नंदिनी ने नशे में जो तमाशा किया था उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मॉम है। मॉम ने उसको शराब पिलाई थी ताकि वो अपने होश गवा बैठे और आपकी नजर में उतर जाए। सर में दर्द हो रहा है आकाश। हाँ। आओ मैं दबा दूँ। नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात। अरे आराम मिलेगा। हेलो, कहाँ हैं आप? तुमने ये पूछने के लिए फोन किया? हाँ, अधिकार है हमारा, बताइए। क्या अधिकार? क्या बोल कह रही हो तुम? अरे मुझे तो, मैं बात करती हूँ। हेलो। हाँ नंदनी, तुमने फोन काहे ले लिया? हम अंग्रेजी से बात कर रहे थे ना। आकाश अभी गाड़ी चला रहा है, बात नहीं कर सकता। देखो ये बहाने बाजी ना तुम हमें मत दो। हम भले ही सीधे दिखते पर अपने गाँव में बड़े बड़े साहूकारों को अकल सिखाई है हमने। अगर तुम अंग्रेजी हीरो से दूर नहीं हुई तो हम तुम्हें हड्डियां तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे देंगे। दूर रहो उनसे। और उनकी पत्नी हम है। अंग्रेजी हीरो किससे मिलेंगे किससे नहीं ये हम तय करेंगे, समझी? लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया। अच्छा अगर इसने तुम्हें कुछ भी बोला उसके लिए हम सॉरी है। नहीं आकाश, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। ये गिटार के साथ सिर्फ फोटो ही खिंचवाते हो या बजा भी लेते हो? मतलब दोस्त कहते हैं थोड़ा बहुत अच्छा बजा लेता हूँ। मुझे नहीं सिखाओगे? सिखा दूंगा। ठीक है फिर सिखा दो। काम्या, अगर ये सच है तो हमारे कुछ बोलने से पहले अपना बोरिया बिस्तर बांध कर घर से चली जाओ। दादी इनका तो समझ में आता है लेकिन आकाश का मुझे कुछ रवैया समझ में नहीं आ रहा है।
वो नंदिनी का पति है और उसे रत्ती भर भरोसा नहीं है नंदिनी पर। दादी, आकाश की नजरों में नंदिनी के लिए प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत है। नहीं करता है वो नंदिनी की इज्जत, और मैं रोज रोज नंदिनी को इस तरह से बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप नंदिनी और आकाश का रिश्ता तोड़वा दीजिए। आपके चेहरे पे ये खामोशी इसीलिए है ना दादी, कि आकाश से अलग हो जाने के बाद नंदिनी का क्या होगा? तो मैं नंदिनी का हाथ थामना चाहता हूं दादी। डिवोर्स के बाद मैं नंदिनी से शादी करना चाहता हूं। दादी, आप तो हमेशा सही का साथ देती है ना, फिर क्यों आप नंदिनी को आकाश की नफरत में झोंक रही हैं? मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा, कोई भी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। बोलिए ना दादी, क्या आप नंदिनी से शादी करवाएंगी मेरी? नहीं। शादी कोई खेल नहीं, जो आज जोड़ा और कल तोड़ा। शादी दो इंसानों का मेल है, सात जन्मों का बंधन है, और हमें पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल आकाश नंदिनी से प्यार करने लगेगा। भरोसा नहीं, गलत फहमी है। आपकी इस गलत फहमी में नंदिनी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये तुम्हारी सोच है, तुम जानते भी हो कि नंदिनी के मन में क्या है। नंदिनी ने आकाश को जिंदगी भर के लिए चुन लिया है। अगर कयामत भी आ गई ना, तो नंदिनी ये आकाश के साथ रिश्ता नहीं तोड़ेगी। लेकिन आकाश तोड़ देगा, क्योंकि उसको रत्ती भर भी इज्जत नहीं है नंदिनी की। और बस कर दे नील, इस करने के लिए तेरे को पूरी दुनिया में गवारा नहीं मिली थी। अरे क्या देखा तूने इसमें? उसके साथ की, उसका भोलापन, उसकी अच्छाई, जो आज तक आकाश ने कभी नहीं देखी और ना आकाश कभी देख पाएगा। नील का मसला तो हम बाद में हल करेंगे, पहले तुम्हारी हरकतों का हिसाब होगा कामयाब। तुमने सिर्फ नंदिनी को शराब ही नहीं पिलाई, तुमने उसके चरित्र पर दाग लगाया है, और वो दाग जो कभी धुल नहीं सकता, उसके लिए पश्चाताप करना पड़ता है। हम तुम्हें इसकी सजा देंगे। तुम अपना बोरिया पिस्ता पान कर घर से निकल जाओ। बोलिया, अब सुन, ये तेरा ऑफिस नहीं है, ये हमारा घर है। यहां कौन रहेगा और कौन बाहर जाएगा उसका फैसला हम करेंगे, और अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो है नंदिनी, जिसकी वजह से आए दिन इस घर में कला कलेश होते रहते हैं, और आज तो हद ही हो गई, दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई की नौबत आ गई। आदर्श बहू के नाम पे धब्बा है तेरी बहू।
दादी मांग भेजी रोज छिपकली के साथ बाहर घूमने गए जबकि हम उनकी पत्नी है। बहुत गुस्सा आ रहा है हमें। गुस्सा भी आ रहा है और जलन भी हो रही है। आओ यहाँ बैठो मेरे साथ। गुस्सा आना और जलन होना ऐसी परिस्थिति में किसी भी पत्नी के लिए लाजमी है। और नहीं तो कहा दादी माँ, इसलिए हमने ना उमिली को फोन करके कह दिया कि हमने अंग्रेजी हीरो के आसपास भी भटके खीना तो हड्डी तोड़ के हाथ में दे देंगे। अच्छा चलो, तुमने चेतावनी दे दी है ना, अब अपना गुस्सा थूक दो और मेरी दवाई लेकर आ जाओ। जाओ। नंदिनी के दिल में आकाश की जगह कोई नहीं ले सकता। नील को नंदिनी से शादी की बात अपने दिमाग से निकालनी होगी क्योंकि नंदिनी कभी भी उसे नहीं अपनाने वाली। किलो तुम ट्राई करो, इसको यहां ऐसे पकड़ दे। ऐसी लड़की को ना इसी तरीके से सिखाया जाता है। और हम आपकी पत्नी है ना, आप हमें बाजा बजाना सिखाइए, इस छिपकली को कैसे सिखा रहे हैं? ये ना जबरदस्ती आपके करीब आने की कोशिश कर रही है बस। हद में रह के बात करो नंदिनी। वो कौन तुम? मालकिन हो मेरी जो अपने हिसाब से मुझे चलाओगी? मेरे गले में पट्टा बांधा है क्या तुमने? और ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? तमीज वगैरह सब गांव में छोड़ के आई हो क्या? आदर्श बहू बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आदर्श बहू बनने से पहले इंसान को सम्मान देना सीखो, तमीज सीखो पहले। और मुझे उंगलियों पे नचाने की चाहत अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि वो नहीं होने वाला। अंग्रेजी रुक, सच में अपने दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दिल में जो भी है ना तुम्हारी हरकतों में दिख गया है। और मैं तुम्हारा पति हूं, कोई चाबी वाला गुड्डा नहीं जो तुम्हारे हिसाब से चलूंगा। चलो मिल। दादी। हाँ क्या हुआ? दादी जिस लड़की से आपने मेरी शादी कराई है वो मेरी जिंदगी अपने हिसाब से चलाना चाहती है, हर चीज में रोक टोक करना है उसको। अरे कभी कभी लगता है वो मेरी पत्नी नहीं मालकिन है वो मेरी। अपने गुस्से पे काबू रखो आकाश, हम नंदिनी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते हैं। हमेशा उसके साइड लेती हूँ दादी। रुको, तुम बार बार उसे दोषी ठहरा कर उस पर गुस्सा करते हो। तुम जानते भी हो कि उस दिन शराब किसने पिलाई थी?
तुम्हारी काम्या चाची ने। हाँ, वो ये चाहती थी कि तुम्हारी नजरों में नंदिनी गिर जाए। नील के कमरे में नंदिनी को पहुंचाना भी किसी न किसी की साजिश थी। नंदिनी बेकसूर है और अपने गुस्से पे काबू रखना सीखो। क्या किया मैंने गुस्से में उसको इतना कुछ बोल दिया, मुझे सब ठीक करना होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, दादी ने मुझे सब बता दिया। तुमने जानबूझ के नशा नहीं किया था, ये सब उन कामया चाची ने किया था। मैं भी कितना बड़ा पागल हूं, तुम्हें गुस्से में क्या कुछ नहीं बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैर छू के तुमसे माफी मांग सकता हूं। छुई हमारे पति है, बाप लगे काम है। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? कर देंगे पर एक शर्त पे। आपको बाजा नहीं, क्या बोलते उसे, गिटार। आप हमें गिटार बजाना सिखाना होगा। अगर वो मिली आपसे सीख के बजा सकते हैं तो फिर हम का है नहीं। ठीक है, तो मैं शाम को सिखाऊंगा। मतबल, वो खेतों में हल उठाने वाली अब गिटार उठाएगी। अरे जाके कह दो उस चंटू को, ये भैंसों के दूध निकालने जितना आसान काम नहीं है। गिटार से धुन निकालनी पड़ती है। आई बड़ी संगीतकार। ये तो वैसे बहुत अच्छा मौका है सासुमा, उस चंटो मैया से बदला लेने का। सीखने दो उसे गिटार, आप बस देखती जाओ सासुमा कैसे वो गिटार ही उसकी मौत का कारण बनता है। अंग्रेजी हीरो हमने जो नया गिटार वाले लेके आए, मिली तुमने काम तो ढंग से कर दिया है ना? अब टेंशन मत लो, देखना पिए नंदिनी जैसे ही इस इलेक्ट्रिक गिटार को हाथ लगाएगी, करंट का ऐसा जोरदार झटका लगेगा कि 3 सेकंड में हार्ट फेल हो जाएगा। Bye.
नंदनी 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 आके खोलो नंदनी क्या हुआ नंदनी आके खोलो क्या हुआ बेटा आप खोलो दादी इसको शायद बिजली का झटका लग गया क्या बात कर रहे हो 440 वॉट का करंट खाने के बाद ये नंदनी अब चार कंधों पे इस घर से जाएगी सच बता मर गई और नहीं तो क्या नंदनी आंखें खोलो बेटा नंदनी किन आंखें मिल रही Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.